हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं अभी यहाँ पे परी की हेयर कर रही हूँ और वीडियो शुरुआत परी के हेयर कॉम करने से ही कर रही हूँ। और परी अभी खेलने जा रहेगी, तो बहुत दिनों के बाद बोल रही थी मम्मी मुझे तो कोई हेयर स्टाइल बना दो, लेकिन मैं बोली कि रहने दो। तो मैं ऐसे उसको पिन लगा दूंगी और यहाँ से भी एक प्लेयर उसके बाल बढ़ रहे हैं हेयर, तो मैं काटने का मेरा मन भी नहीं होता है और वो भी मनाई कर रही है। तो मैंने कहा थोड़ा सा और कट लंबे हो जाएंगे, उसके बाद मैं काट दूंगी। तो यहाँ पर मैं उसके हेयर बना दे रही हूँ और वो थोड़ी सी बाहर खेलेगी। ये शाम का छः बजे से मैंने ही ना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो बस यही वो, और कुछ आजकल है ही नहीं बनाने को, तो क्या बनाए। तो वही घर में आप लोग भी बोर होंगे, वही तो इसलिए है ना, ऐसा लगता है। और आप देखते भी नहीं, तो इससे ऐसा लगता है कि बनाओ ही नहीं, तो ऐसा होता है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो देखा कीजिए ताकि हमें भी कोई मोटिवेशन अच्छे से मिल जाए। और यहाँ पे मैं परी को तैयार कर दी है और अभी मैंने चाय वाय हो गई थी मेरी। चाय होने के बाद फिर मैं बैठी बाहर और आज है ना डिनर में मटर, जो सूखे सफ़ेद मटर रहते हैं ना, जो सूखे वाले, वो बना रही थी। तो वो मैंने गला के रख दिए और परी को तैयार कर दिया और काजल भी लगा दी यहाँ पे मैंने परी को। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं बैठी हूँ, अभी बज चुके हैं शाम के कितने बजे, 7 बज चुके हैं ना। तो अभी मैं ब्लैक टी पीऊँगी, फिर मैं डिनर में अभी बनाने जा रही हूँ मटर, जो सूखे मटर रहते हैं ना, जो सूखा के रखते हैं, वाइट वाले वाइट मटर, अभी मैंने सुबह ही गला के रख दिए थे। और अभी कुकर में 2-3 सीटी दे दूंगी और बनाऊंगी। तो मैं 7:30 बजे लगूंगी डिनर बनाने के लिए और बैठी। और ठंडी, आज तो बिल्कुल हवा नहीं है, बादल थे, कल बारिश आ रही थी, तो मौसम भी ऐसा ही चल रहा था। तो बैठे हैं हम लोग, चाय वाय पी लिए और मैं आपसे बात नहीं की थी, मैंने कहा बात कर लूँ। और परी के मैंने कंघे वगैरह कर दी थी और यहाँ पे डिंकी भी बैठी है। डिंकी नहीं दिख रही है, हाँ डिंकी, यहाँ पे परी बैठी है, यहाँ पे सिद्धार्थ जी बैठे हैं। सिद्धार्थ जी तो दिख ही नहीं रहे, अंधेरे में नहीं दिख रहे। तो मैं बाहर बैठी, अभी क्या 7 बज चुके हैं और ये हो गया है, अंधेरा हो गया है, तो नहीं दिख रहे है ना। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको बाद में। और देखिए फिर यहाँ पे मैंने मटर सुबह गला के रख दिए थे, फिर कुकर में 4-5 सीटी होने दी, फिर अच्छी गल गई थी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया है और ये प्याज का मसाला है, अदरक लहसुन पेस्ट का मसाला है, तो यही है। और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी, जो हमेशा प्रोसीजर है, मैंने इसके पहले भी आपके साथ शेयर किए थे, तो वो मैं चाट गई थी। अभी ये सब्ज़ी बनाई हूँ चावल के साथ खाने के लिए, तो थोड़े से बचे थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज सुबह वही बना ले जाए। तो डिंकी तो चाट बोल रही थी, मैंने कहा नहीं मैं सब्ज़ी बनाऊंगी मटर की, और मुझे टेस्टी बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए ये मसाला बिल्कुल सिंपल सा मसाला है, इसमें ना बिल्कुल मसाला कोई है ही नहीं, बस अदरक लहसुन पेस्ट है और प्याज का पेस्ट है और ये है जीरा। तो ये अच्छे से ब्राउन होने तक पका लूँगी और लाल मिर्च भी इसमें डाल दी, हल्दी पाउडर भी डाल दिया है और कस्तूरी मेथी है, बाकी कुछ नहीं है, धनिया पाउडर है, बस सूखा गर्म मसाला है, यही सब है, आमचूर पाउडर थोड़ा सा, और यहाँ पर नमक डाल दिए है और बस यही चल रहा है। और सबके यहाँ तो आजकल वही और मेरे को है ना बाहर की सब्ज़ी लेने में बहुत रिक्स रहता है, और यहाँ पे है ना सब्ज़ी वाले भी बहुत कम आते हैं। जब सुबह सुबह आते हैं, जब मैं सोती रहती हूँ, मेरी उठने की इच्छा नहीं होती है, फिर मार्केट में जाने में मैं रिक्स नहीं लेती हूँ, जहाँ मतलब लगते हैं गाढ़े सब्ज़ी के, लेकिन मैं नहीं ये करती हूँ। तो यहाँ पर और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, नमक मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ ताकि अच्छे से ये हो जाए, मिक्स हो जाए। और उसके बाद फिर मैं है ना मटर डाल दूंगी, जो कुकर में मैंने 4-5 सीटी, बहुत अच्छे टेस्टी बने थे गाइस, बहुत ही अच्छा स्वाद भी बहुत अच्छा आया था। तो ऐसे अभी गर्मी में तो यही सब्ज़ी चलती रहती है, सब क्या है, ठंडी में बहुत अच्छी अच्छी सब्ज़ी आती है और यही मतलब यही है। तो और हम 4 लोग हैं, 4 लोगों के लिए तो बस हमें 4 कटोरी सब्ज़ी लगती है, ऐसे सब्ज़ी बहुत कम लगती है हमारे यहाँ। तो या उसके बाद ये देखिए टमाटर प्यूरी डाल दिए, टमाटर प्यूरी वो उसमें मैंने मिक्सी में कर लिया था, तो ये डाल दिए और ये पका दूंगी अच्छे से, और जब तक तेल नहीं छुटता है। तो ये मैंने आपके साथ शायद शेयर किया था, ये फर्स्ट टाइम, सबको आती है सब्जी वब्जी तो सबको बनाना आती है। तो बस ये 8:30 का समय था और हमारा डिनर बिल्कुल सिंपल ही था, मटर की सब्ज़ी और पापड़ वापड़ मैंने इस बार कुछ भी नहीं बनाए ना, कुछ शॉप है ही नहीं, तो मैं कहाँ से चीज़ें लाऊँ आप बताइए।
तो मेरे पापड़ वगैरह नहीं बनाई। लॉकडाउन खुल जाएगा अभी 2 दिन, 17 तारीख से शायद लॉकडाउन खुलेगा, हो सकता है या फिर बढ़ भी। अभी तो थोड़ी रिकवरी आ रही है, थोड़ा पेपर में मैं न्यूज़ पढ़ती रहती हूँ तो कम आते हैं। इसके बाद मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए और ये पकने पकने दूंगी और थोड़ा सा पानी डाल के उबालने दूंगी, बस हो गया। और इसमें मैंने कस्तूरी मेथी जो घर में बनाई थी मैं वही डालूंगी, सब घर का ही है। और शॉप भी नहीं खुलती है, क्या करें क्या नहीं, तो जैसे वैसे एडजस्ट तो सबको करना ही। और आजकल इतना मतलब ये हो रहा है, और अभी रिकवरी आ रही ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब रात की सांस ले रहे हैं। और फिर हमारे डिनर तैयार हो गया है, तो ये देखिए सब्जी और मैं परोस रही, आप भी आ जाइए खाने के लिए। और रोटी और चावल और मटर की सब्जी, सुबह मैंने बनाई थी गिलकी की सब्जी और दाल और चावल। और ये देखिए परी भी आ रही, परी को बोल रही कि हाथ धो के आ जाओ, तो परी भी हाथ धो के आ रही है। और मैं सबके लिए, हम सब नीचे बैठ के और एक साथ खाना खाते हैं, कोई अलग अलग नहीं खाता है। जैसे जब भी हमारा गर्म खाना हो, मतलब 7 बजे हो, 8 बजे हो, 9 बजे हो, लेकिन तभी हम गर्म गर्म ही खाएंगे। दिन में भी वही हमारा हाल है और रात में भी हम लोग है ना बिल्कुल गर्मी में भी, क्योंकि फिर वो ठंडा खाना हो जाता है ना, तो मज़ा नहीं आता है। फिर खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे देखिए कितने सारे बर्तन मेरे लिए रख दिए, तो मैंने आज आपके साथ शेयर कर लिए। और मुझे मैं यही बैठ के ही, क्योंकि किचन में मैं यहाँ जगह ही नहीं है बैठने की, छोटी सी किचन है तो मैं वहाँ नहीं मांझती हूँ। और इतना बड़ा तो दिया है बाउंड्री, तो फिर मैं पीछे बाउंड्री में बर्तन मांझती हूँ। देखिए कितने सारे बर्तन है, तो बर्तन का सबसे ज़्यादा आलस मुझे बर्तन कहा था, इतना बर्तन देखे मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो कपड़े में मजा आती है, लेकिन है ना इसमें मुझे है ना, तो यहाँ पे देखिए बर्तन हो गए हैं। और ये रात का समय था, तो आज कल है ना अक्षय तृतीया है, तो सबको अक्षय तृतीया की आज ही मैं बधाई दे रही हूँ। और हमारे इधर क्या होता है, जो बुजुर्गों को बोलते घास खिलाते हैं ना, तो थोड़ा पूजा वगैरह होगी, तो देखते हैं करते हैं या नहीं ये। और ये आई होप ये वीडियो, और ये देखिए बर्तन होने के बाद फिर मैं डिंकी को ऑयल कर दे रही हूँ। और आज का वीडियो आप ज़रूर मतलब देखिएगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ज़्यादा छोटा, क्योंकि आप लोग बड़ा बड़ा वीडियो तो देखते नहीं, इसलिए मैं छोटी छोटी क्लिप बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं डिंकी के लिए ऑयलिंग, डिंकी के हेयर में ऑयलिंग कर रही हूँ, क्योंकि कल वो धोगी। और मैं है ना परी को भी बोल रही कि आ जाओ परी, मैं तुम्हें भी ऑयलिंग कर देती हूँ, तो परी मना कर रही थी, तो यही मैं इसलिए उसकी तरफ देख के ये कर रही थी, परी वीडियो बना रही थी ना इसीलिए, तो इसको ऑयलिंग का कर दूँगी। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड भी करूँगी, क्योंकि डिंकी रात को वो हेयर ऑयलिंग करती है और सुबह फिर धो लेती है। और मैं थोड़ा सा मसाज भी बोल रही थी, मम्मी मुझे मसाज भी कर दो, तो इस टाइप का कर देती हूँ मैं उसको थोड़ा सा मसाज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा, और लाइक तो जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, शुभ।